सो हेलो गाइस, वेलकम टू BBALLBGYAN चैनल। मैं प्रतीक शर्मा, और आज भी हम जो है कंपनीज लॉ को जो है जो कॉर्पोरेट लॉ है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो कि है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो। और उसी की कंटिन्यूशन में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये है, इस वीडियो में हम समझाऊंगा कि MOA जो कि मैंने उस INC जो आपको याद है 7 के अंदर बताया था, AOA और MOA डालना होता है, तो MOA जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आज मैं उसको जो है यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है जी, AOA और MOA दो चीज़ें होती हैं, तो हाल फिलहाल अभी हम MOA समझेंगे, AOA जो है हम नेक्स्ट कमिंग अप वीडियोज़ में समझ लेंगे। वीडियो चालू, हाँ चलो ठीक है जी, मैं देखना पड़ता है ना वीडियो ऑन है कि नहीं, वरना सारा मेहनत पानी भर जाएगा। चलो जी, तो MOA क्या होता है, कंपनी लॉ जो है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था इस सब्जेक्ट को, सेक्शन 2 आप खुद पढ़ सकते हैं, उसमें डेफिनेशंस वगैरह है, फिर काइंड्स ऑफ अ कंपनी है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोप्राइटरशिप जो 1% होती है, हिंदू जॉइंट फैमिली, फिर पार्टनरशिप, ये 4-5 तरीके की होती हैं। तो ये सिंपल चीज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए नीचे, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो जी, कंपनी लॉ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA क्या होता है ये देखो। पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को देना होता है, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस को, ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, कॉर्पोरेट या कंपनी कुछ भी कह सकते हैं, ROC को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA इसकी ये फुल फॉर्म होती है, ये होता है, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अब देखिएगा इस पहली लाइन में इसने बहुत बड़ी चीज़ कह दी, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, आप खुद ही जानते हो इस चीज़ को, और ये कंपनी का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इट प्रिस्क्राइब्स द नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस, एक्सटेंट ऑफ पावर्स एक्सेट्रा। इसने दो तीन चीज़ें ऐसी लाइन में कह दी कि ये जो है MOA जो है क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, कि ये कंपनी का नाम प्रोवाइड करेगा, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो प्रोवाइड करेगा, पावर्स कितनी है उसकी, वो सब कितनी, मतलब उसकी पावर्स हैं जो वो एक्सरसाइज कर सकती है, कितनी लिमिटेशंस है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो चलो जी, थोड़ा सा हम लॉ की लैंग्वेज पर जो है आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम मीन्स MOA ऑफ द कंपनी, मतलब मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फॉर्म्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। कुछ नहीं कह रहे, ये डेफिनेशन तो आपको कहोगे यार ये डेफिनेशन थोड़ी है, ये तो पागल बनाने की चीज़ है। इसने क्या कहा है, मेमोरेंडम जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी होता है, या तो अभी ओरिजिनली फॉर्म करा हो या फिर कोई ऑल्टर किया हो पुराने लॉ को, फ्रॉम एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है जी, और ऑफ दिस एक्ट, या फिर इस एक्ट को ऑल्टर कराओ। तो आप कहोगे यार इसमें MOA की डेफिनेशन क्या हुई, तो गाइस बेयर एक्ट के अंदर जो है इसकी हाल फिलहाल डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड CAIRN कांड्स, या क्या बोलोगे, देख लो इसको, मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूँ। इन एशबरी कंपनी वर्सेज रिची ये केस था, इसके अंदर लॉर्ड कांस ने ये कहा कि द मेमोरेंडम डिफाइंस द लिमिटेशंस ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने एक लाइन में, इन्होंने कहा कि ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी, एक कंपनी की पावर की लिमिटेशन क्या क्या है, ये आपका डिफाइन करेगा क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो अगर आपको मोटे मोटे तौर पर समझ आ गया होगा कि मेमोरेंडम एसोसिएशन जो होते हैं कंपनी का वो क्या होता है, बेसिकली उसकी पावर्स को लिमिट करने के लिए कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से वो पावर को लिमिट करेगी, अब आप धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ूंगा मैं, तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखना कि ये लिमिटेशन ऑफ पावर होती है कंपनी की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जी। देख लेते फटाफट से पर्पज़ ऑफ मेमोरेंडम क्या है। मेमोरेंडम का पर्पज़ यार कुछ नहीं होता, मेन ये होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं प्रोस्पेक्टिव, उनको ये पता चल जाए कि यार जो वो पैसा लगा रहे हैं अपना, जो वो पैसा दे रहे हैं कंपनी को, जो फंड कर रहे हैं वो कहाँ पर कंपनी लगाएगी और किस पर्पज़ के लिए जो है वो लगाया जाएगा। तो उससे उनको आइडिया हो जाता है कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगेगी, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ आता चलेगा कि कैसे ये चीज़ें शेयर होल्डर को हेल्प करती हैं, ठीक है जी। और इसमें भी पता चलेगा कि कंपनी कहाँ पैसा लगा रही है, तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है नहीं है, तो वो भी शेयर होल्डर देख के देख सकते हैं कि मैं पैसा लगाऊँ इस कंपनी में या ना लगाऊँ। और द आउटसाइडर्स जो होते हैं, मतलब कि आप लगा लीजिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली, वो जो है
एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कि वो जो हमसे पैसा ले रहे हैं उस पैसे को वो कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं उस कंपनी के, ठीक है जी, एंड विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी और नॉट। हाँ, और वो देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट उनके मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट और जो, हाँ जी कोई आ गया था तो हाँ चलो छोड़ो, तो कहाँ पर थे हम। हाँ, तो ये जो है पर्पज़ बताता है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पर्पज़ और जो कंपनी का पर्पज़ है उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या वो जो है ऑब्जेक्टिव्स जो उन दोनों के वो मैच करते हैं कि नहीं, अगर मैच करते हो तो इन्वेस्टर पैसा लगा सकते हैं, नहीं करते तो मत लगाओ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ये तो हो गया, हमने कुछ पढ़ लिया इसका पर्पज़। अब जो मेन टॉपिक है वो है जी कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, कैसे ये शेयर होल्डर को हेल्प करता है, कैसे ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है और ये कैसे पावर लिमिट करता है उनकी कंपनीज की। देखो जी, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम में सबसे पहला पॉइंट आता है नेम क्लॉज। सबसे बेसिक चीज़ है, आप इसको आप मतलब कि भाई कंपनी का जो नाम है वो सबसे पहले तो इसके अंदर लिखा होगा, बेसिक चीज़ है ये नेम क्लॉज। कि कंपनी को पहली चीज़ तो ये बोली गई है इसके अंदर कि कंपनी फ्री टू चूज़ है, फ्री है बिल्कुल कि वो कोई भी नाम चूज़ कर सकती है ऑफ देयर चॉइस, लेकिन वो जो नाम है वो कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विद एनी नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अनडिज़ायरेबल। तो मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम लगती है उस नेम में तो वो जो है नेम को रजिस्टर नहीं करा सकती उस नेम से, उस कंपनी वो कंपनी उस नेम से इसने। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि नेम क्लॉज क्या होता है। तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें वही सेम चीज़ आती है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई कि इसमें जो है तुम अपने नेशनल वर्ड नहीं डाल सकते या कोई गवर्नमेंटल वर्ड नहीं डाल सकते कि ऐसा लग रहा हो कि तुम गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट ले रहे हो। इसके अंदर नेशनल हीरोज़ के नाम नहीं डाल सकते, महात्मा गांधी प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके नहीं डाल सकते, भगत सिंह प्राइवेट लिमिटेड ऐसी नेशनल हीरोज़ के नाम नहीं डाल सकते, नेशन से रिलेटेड चीज़ों के नाम नहीं डाल सकते तुम। और अगर कंपनी जो वो नाम नहीं अडॉप्ट कर सकती जो प्री एग्जिस्टिंग कोई ट्रेडमार्क है या प्री एग्जिस्टिंग किसी ने इनकॉर्पोरेट करा लिया हो, किसी और कंपनी का नाम नहीं ले सकती, वो सरनेम्स वगैरह नहीं ले सकती, वो सारी चीज़ें आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया। उसके बाद क्या आता है, हाँ अब जो है यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि रजिस्ट्रार जो है वो नाम जो तुम दोगे वो 60 दिन के लिए जो है क्या करेगा, रिजर्व कर लेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। जब से तुम्हारा अप्रूव हो गया तो वो 60 दिन तक वो रिजर्व कर लेगा ताकि वो नाम कोई और ना ले पाए, मतलब इंटीमेशन हो कि भाई ये नाम पहले से रिजर्व हो जाएगा तुम अब नहीं ले सकते। और अप्रूवल अगर मिल जाता है आरओसी के थ्रू, ये वही प्रोसेस है जो मैंने आपको INC 7 में बताया था, जो आपको पिछली वीडियो में बताया था स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर, तो ये वही चीज़ है जो फॉर्म में ये बता रहा हूँ, ये उसी का एक स्टेप्स है। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने आपको पहले कहा इस वीडियो को देखने से पहले मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। चलो जी, आरओसी से अगर अप्रूवल आ जाता है तो वो मैंडेटरी है कि आरओसी एक बार इंक्वायर करे कि उस जो प्रपोज नेम उसने दिया वो जेन्युइन है कि नहीं, कोई उसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके जो है लास्ट में लिमिटेड वर्ड आना चाहिए एट द एंड ऑफ द नेम, एंड अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए एट द एंड ऑफ द नेम, ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट कर सकती है परमिशन या फिर लाइसेंस किस चीज़ के लिए, टू द नेम ऑफ द कंपनी विदाउट यूजिंग द लिमिटेड वर्ड। और जो मैंने आपको बताया ना, अगर पब्लिक है तो लिमिटेड वर्ड आना चाहिए एंड में, और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए। तो अगर तुम ये चाहते हो कि लिमिटेड वर्ड ना डालूं मैं, तो उस चीज़ के लिए तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि परमिशन ही कही जाएगी। और वो परमिशन किन किन केसेस में दी जा सकती है, अगर तुम्हारी कंपनी जो है कॉमर्स एंड आर्ट्स, साइंस, रिलीजन, चैरिटी इसकी प्रमोशन कर रही है, इसके पे बेस्ड है, तो उस केस में तुम्हारे को लिमिटेड वर्ड हटवा दिया जा सकता है, लेकिन आपको लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये तो हो गया जी हमारा पहला क्लॉज नेम क्लॉज। दूसरा आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नाम से समझो, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज मतलब कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, इसके बारे में बात कर रहे हो। सिंपल, अ कंपनी इज रजिस्टर्ड टू स्टेट इन MOA द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। वही चीज़ कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी इसके अंदर। हाउएवर द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मैंशन द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो वो ये कह सकते हैं कि जी हमारा दिल्ली में CP में जो है एड्रेस है। अब ऐसा नहीं है कि CP में जी बी ब्लॉक में B21 हमारा ये नंबर है या ऐसा कुछ करके, सिंपली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बता दे बहुत है कि वेस्ट दिल्ली में है या ईस्ट दिल्ली में। दिस कैन बी
filled with registrar of companies in form 18 within 30 days in of incorporation of the company. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये information जो registered office clause है, आपको office का address जो है वो विद इन, पहले तो आपको registrar of the companies को देना है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 18. फॉर्म 18 आता है, उसके अंदर आपको ये भर के देना है विद इन द 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन हो चुकी है, अप्रूवल वगैरह आ चुका है, तो विद इन 30 डेज ऑफ दैट अप्रूवल जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो उसके बाद से 30 दिन के अंदर आपको ये एड्रेस वगैरह जमा करना होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 18. ठीक है जी. द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इज टू एनेबल पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रार टू सर्व नोटिसेस, डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. तो बेसिकली आप खुद ही बताओ यार, एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब ऑफिस का रजिस्टर जो उसका एड्रेस है, वो क्यों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डाल लेती है कि भाई उसको नोटिसेस भेजे जा सके, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो बाय पोस्ट भेजी जा सके. अब ये तो है नहीं कि हर किसी को पता है कि इनका यहाँ पर ये रजिस्टर ऑफिस जाके दे आओ, तो हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे उस कंपनी से. अब ये तो है नहीं कि डायरेक्ट कंपनी में पहुँच जाएंगे हम, तो एक ऑफिस दिया जाता है जिसमें हम पोस्ट भेज सकते हैं. इससे क्या, एक बेसिकली कोई नोटिस अगर आ रहा है उस कंपनी के लिए, तो वो चीज़ें भेजना आसान हो जाता है. इसलिए जो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को जो है भरा गया है. तीसरा हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज. ये जो है गाइज, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसके अंदर आपने ये डालना ही डालना है. अब ऑब्जेक्ट क्लॉज दिमाग लगाओ, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्या पर्पज़ है कंपनी के, क्या सोचना है, ऑब्जेक्ट्स क्या है उसके कि मैं ये अचीव करूँ या वो करूँ या क्या करूँ, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के, तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ एमओए. ठीक है जी. एज इट सेट आउट द पर्पज़ फॉर विच द कंपनी इज़ फॉर्म्ड एंड द काइंड ऑफ द एक्टिविटीज़ और बिजनेस इट टेंड्स टू कैरी ऑन. यही कह रहा है वो कि पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के, ये सारे इस चीज़ में मेंशन करे जाएंगे. तो बेसिकली इसके अंदर जो है, वैसे तो आप कई बुक में तीन दिए होंगे, लेकिन मैं मेनली दो बोलूँगा यहाँ पर. पहला आता है मेन ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर जो है मेन ऑब्जेक्ट्स आएंगे, सिंपल है. दूसरा आएगा अदर ऑब्जेक्ट्स, जो मेन ऑब्जेक्ट्स में नहीं है वो अदर ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे, सिंपल. लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इस चीज़ को अमेंड करके सिर्फ दो चीज़ें बोली गई. पहला बोला गया कि इसके अंदर वो डालो, वो ऑब्जेक्ट्स डालो जो कंपनी जो है चाहती है इनकॉर्पोरेशन के अंदर, और दूसरे जो है कंसीडर नेसेसरी इन फर्दर देयर ऑफ, अगर कोई और है तो वो डाल दो. तो बात घुमा फिरा के वही है, मेन और अदर वाली, लेकिन इसको फिर वो वर्ड्स को हटाकर सिंपल ही कर दिया गया. जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वही रहेंगे, और उसके बाद अगर उसमें कोई चीज़ें नहीं आ पाई हैं तो वो अदर देयर कंसीडर नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ, तो वही चीज़ें अदर में आ जाए. अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट लॉस का पर्पस क्या होता है मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो सबसे पहले तो है, इट एनेबल्स द सब्सक्राइबर टू नो द यूज़ टू विच देयर इन्वेस्टमेंट मनी इज टू पुट एंड दस एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स. अब देखो, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप उसमें पैसा लगाओगे कभी, खुद ही दिमाग लगाओ आप, कभी नहीं लगाओगे आप पैसा. तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तभी तो आप पैसा लगाओगे. तो यही है कि जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको पता चलता है कि उसकी इन्वेस्टेड मनी कहाँ पर जाने वाली है, तो वो प्लान कर लेगा मैं लगवाऊँ या ना लगाऊँ. दूसरा था, इट प्रोवाइड सर्टेन प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स एज दी कंपनी कैन नॉट स्पेंड इट्स कैपिटल ऑन एनी एक्टिविटी विच आर नॉट विद इन द परव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्लॉज. कैपिटल प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर वो होते हैं जो पैसा देते हैं कंपनी को. अब देखो जी, कंपनी बहुत बड़ी होती है, कई करोड़ों की होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बंदा करोड़ लेके कंपनी बना देगा, उसको कई जगहों से पैसे चाहिए होते हैं, तो बोरोइंग लेता है वो कईयों से. तो जो क्रेडिटर होते हैं जैसे फाइनेंसर्स वगैरह हो गए, उनको ये कैसे प्रोटेक्शन देती है कि भाई वो पता लगा लेंगे कि जो इनकी कैपिटल है, जो ये जो हम इनको पैसा देंगे, ये कहाँ पर लगाएंगे पैसा, तो गलत जगह तो नहीं लग रहा उनका, कहीं पैसा उनको डूब तो नहीं जाएगा क्रेडिटर्स का, तो वो चीज़ हो गई. तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो इन्फॉर्मेशन भी आती है, हम पैसा कैसे अलोकेट करेंगे, हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसमें क्रेडिटर्स को भी हेल्प हो जाती है. उसके बाद आता है, इट सीम्स इट सर्व्स पब्लिक इंटरेस्ट एज कंपनी कैन नॉट डाइवर्सिफाई इट्स एक्टिविटीज बियॉन्ड दो स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. पब्लिक इंटरेस्ट को भी जो है ये फॉलो करता है, जैसे कि कंपनी जो है वो चीज़ें नहीं कर सकती है जो उसने ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं डाला है, तो कुछ गलत भी नहीं हो सकता, जो उसमें लिखा है वही होगा. ठीक है जी. चौथा हमारा पॉइंट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज, जो चौथा इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट है. चौथा पॉइंट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज. द इफेक्ट ऑफ दिस क्लॉज इज दैट इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नो मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम. देखो, लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो कंपनी होती है ना, उसमें आपको फटाफट से एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ. अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लीजिए.
अगर आप नहीं है तो आपको फटाफट बता देता हूँ, लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड की ये होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर ये होता है कि अगर आप इस किसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हो, ठीक है जी, तो और अगर वो कंपनी बेसिकली अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ डूब जाती है, तो उसमें ना एक प्रोसेस आता है, प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, कि भाई कंपनी को आप वाइंड करो, बंद करो, शटर डाउन, ठीक है जी। तो उस प्रोसेस में जितना आपने पैसा लगाया वो सारा आपका डूब जाता है, हमने यही सुना, जनरली यही होता है। ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, कि जितना उन्होंने शेयर लगाया उतना ही डूबेगा उनका। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पता है आपको क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो होता है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है ना, तो जितना शेयर तुमने लगाया है, जितना भी मतलब तुमने इन्वेस्टमेंट करी है, वो तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन तुमसे और भी ले लिया जाएगा उसके जितने भी कंपनी के डेट्स वगैरह क्लियर करने को है। क्योंकि मैंने क्या बताया, कंपनी जो है बोरोइंग्स पे चलती है, तो बोरोइंग्स लिए होंगे कहीं से उन्होंने। अब अगर वो बोरोइंग्स ज़्यादा है प्रॉफिट से, मतलब लगा लो 100 रुपये की बोरोइंग्स लिए, तुम्हारा प्रॉफिट हुआ था 60 रुपये का, ठीक है जी, और 60 में से 40 तो आपके शेयर जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, अब वो 40 तो गए, बाकी 20 कंपनी के प्रॉफिट थे वो भी हो गए, 60 हो गए। अब जो ये बाकी 40 रुपये बचे हैं ना, कि 40 रुपये कंपनी आपसे निकलवा लेगी। अब चाहे आप अपना घर बेचो, चाहे आप अपना पर्सनली आपको लाना है, चाहे आप खुद लोन लेकर आओ या फिर सामान बेच के लाओ। तो ये मैंने आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा दिया कि लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी क्लॉज होता है एमओए के अंदर, जिसका मतलब ये होता है आपको लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जितना तुमने शेयर्स का करा है, लिया है तुमने, उतने ही तुम्हारे जाएंगे पैसे, उससे ज़्यादा कंपनी तुमसे डिमांड नहीं कर सकती। और अ कंपनी कैन नॉट ऑल्टर इट्स लाइबिलिटी क्लॉज सो एज टू एनहेंस द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर और कंपेलिंग देम टू टेक फर्दर शेयर्स, इट इज़ अनलॉफुल। यही कहा है कि ये ऑल्टर भी नहीं किया जा सकता इस क्लॉज को, ये क्लॉज ऑल्टर्ड नहीं हो सकता। पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट होता है एसोसिएशन क्लॉज, इसके अंदर कुछ नहीं है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, कि भाई कितने जो हैं बंदे आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी कंपनी लोगों को पढ़ा है, स्टार्ट करा है पढ़ना, तो आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है मिनिमम 2 बंदे चाहिए होते हैं, 2 बंदे चाहिए होते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए, और पब्लिक के लिए आपको मिनिमम 7 बंदे चाहिए होते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं उसके अंदर कि वो बैंकिंग रिलेटेड बिजनेस, वो सारी चीज़ों को भी छोड़ रहा हूँ, हम जनरल वे में कह रहे हैं। तो उस केस में वही जो है लोग सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो अगर सब्सक्राइबर जो है, अगर प्राइवेट कंपनी की हम बात करें, तो मिनिमम 2 बंदों के आपको सिग्नेचर लेने हैं एज अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ठीक है। और वो सिग्नेचर के साथ ना एटलीस्ट 1 जो है क्या कहते हैं उसको, विटनेस, एटलीस्ट 1 विटनेस जो है वो होना चाहिए जो कि उस सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा। और अगर यही केस हम पब्लिक की बात करें, तो आपको 7 मिनिमम सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 1 वो विटनेस होगा जो अटेस्ट करेगा उस चीज़ को। तो यही चीज़ इसके अंदर बोली गई है। और ये आपके जो है 5 क्लॉजेज हैं, जो कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम भी बोल सकते हो आप इसको। और इसी के अंदर जो गाइज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस वगैरह भी आता है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये 2 डॉक्ट्रिन भी हम समझेंगे और आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो बस ये था जो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये आपको फटाफट से समझ आ चुका है कि भाई कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी कंपनी है, और ये बेसिकली पावर्स जो है उसकी लिमिटेशंस बताता है कंपनी की। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर इतनी सारी चीज़ें आती हैं तो कंपनी जो है इन क्लॉजेस के बियॉन्ड जा ही नहीं सकती। तो अगर इसके बियॉन्ड ही नहीं जा सकती, तो वो पावर का क्या मिसयूज़ नहीं कर सकती। इससे क्या कई लोगों को हेल्प हो रही है, शेयर होल्डर्स को हेल्प होती है, इन्वेस्टर्स को हेल्प होती है, क्रेडिटर्स को हेल्प होती है, अंदर के मेंबर्स को तो वैसे ही पता है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक मॉरेलिटी भी होती है इसके अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट को भी ये सर्व करता है कि जो एक्टिविटीज़ नहीं लिखी वो भी ये कर सकता है। तो ये कुछ क्लॉजेस थे इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट, और वैसे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम एसोसिएशन कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा ये। तो इस वीडियो को मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, पहले उस वीडियो को देखिए, उससे रिलेशन में ये वीडियो मैं आपको पहले कह रहा हूँ। बाकी हाँ, अगर आपको ये पता है कि स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है और आपको सारी चीज़ें याद है कि INC 7, 8, 9, DIR 3, DIR 12 फॉर्म क्या होते हैं, तो वेल एंड गुड है यार, बढ़िया, फिर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कवर अप करेंगे और इससे जुड़ी आगे वाली चीज़ें करेंगे। तो चलो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक्स टू वॉचिंग टू BBALLBGYAN ज्ञान। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक भी करते रहना।